आज का विचार 107.8 FM हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज। 107.8 FM हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज के साथ आज का विचार। जैसे को तैसा। एक स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का लड़का रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो थी नहीं, केवल एक मन भर भारी लोहे की तराजू थी। उसने एक महाजन के पास धरोहर रखकर वह विदेश चला गया। विदेश से वापिस आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर वापिस मांगी। महाजन ने कहा, वह लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। बनिए का लड़का समझ गया कि वह तराजू को देना नहीं चाहता, किंतु उपाय अब कोई नहीं था। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहों ने खा डाली तो चूहों का दोष, तुम्हारा नहीं, तुम इसकी चिंता ना करो। थोड़ी देर बाद उसने महाजन से कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वह भी नहा आएगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उसके साथ नदी स्नान के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहाँ से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा के अंदर बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड़ी सी शिला रख दी, जिससे वह बचकर भाग न पाए। उसे बंद करके बनिया जब महाजन के घर आया तो महाजन ने पूछा, मेरा लड़का भी तो तुम्हारे साथ स्नान के लिए गया था, मेरा लड़का कहाँ है? बनिए ने कहा, उसे चील उठा ले गई। महाजन, यह कैसे हो सकता है, कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठा सकती है क्या? बनिया बोला, भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे। इसी तरह विवाद करते हुए दोनों राजमहल में पहुंचे। वहां न्याय अधिकारी के सामने महाजन ने अपनी दुखद कथा सुनाते हुए कहा कि इस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया है। धर्माधिकारी ने बनिए से कहा, इसका लड़का इसे दे दो। बनिया बोला, महाराज, उसे तो चील उठा ले गई है। इस पर धर्माधिकारी बोला, क्या कभी चील भी बच्चे को उठा ले जा सकती है? बनिया, प्रभु, यदि मन भर भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। धर्माधिकारी के प्रश्न पर बनिए ने अपनी तराजू का सब वृतांत कह सुनाया। फिर धर्माधिकारी ने महाजन से बनिए का तराजू लौटाने को कह दिया और उसे उसका बच्चा लौटा दिया गया। यानी किसी को भी अपनी चपलता और चतुरता से आप मात दे सकते हैं। सुनते रहिए हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज।